सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, सब लोग अपने मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मा, आप क्या कर रहे हो? मैं लंच बना रही हूँ। सब्जी मैंने तुम्हारा लंच रख दिया है दोनों का, और तुम्हारे खाने के लिए बना रही हूँ। मैंने तुम्हारे आमंड वगैरह छील के रख रखे हैं, वो खा लो फटाफट जल्दी से। ओके, लंच लगा रही हूँ जल्दी से बस। यहाँ पे बनी है आलू की सब्जी एंड मम्मा अभी पराठे ही बना रही है। पराठा बन लंच गया में है, रोटी बना रही हूँ। गाइस हम मॉर्निंग में खाते हैं अपने चने स्प्राउट्स जैसे जो होते हैं, वो हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे, क्योंकि उससे हमें मिलता है प्रोटीन, फाइबर एंड बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स। सो इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। सो गाइस, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो जो सभी भी मुझे वॉच कर रहे हैं उन सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबको खुश रखे, हेल्दी रखे। सो गाइस, यहाँ पे पापा ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड हम बाहर इसलिए नहीं जाते हैं वॉक करने, क्योंकि बाहर होते हैं माइनस में टेम्परेचर, ठंड और स्नो की वजह से फिसल भी सकते हैं बाहर। तो बेहतर है कि अपने घर में हमने ट्रेडमिल लाई हुई है इसीलिए, एंड हम इस पे अपना मॉर्निंग रूटीन वॉकिंग का फॉलो करते हैं। एंड गाइस, अभी मैं जल्दी से करूंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मुझे स्कूल की भी तैयारी करनी है। चलिए मम्मा, क्या आप नवरात्रि का व्रत रखोगे? सारे हाँ, सारे रखूंगी मैं। रखोगे मतलब पूरा 7 वीक का? और बस धूप नहीं उठाऊंगी उपले की, क्योंकि यहाँ पे धुआं हो जाएगा तो फायर अलार्म बच जाएगा। इस वजह से बस अरे ऐसे ही दिया हाँ। जलाऊंगी, घी वाला। सो गाइस, मैं अब स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ, अपनी स्नो पैंट्स, जैकेट एंड हैट वगैरह सब डाल रही हूँ। एंड इसके बाद हम जाएंगे स्कूल, एंड हम यूजुअली बस से जाते हैं, तो आप वो भी देखने को मिलेगा। गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा फायर अलार्म है। अगर हमने धूप उठाई तो इससे धुआं होगा, एंड ये पूरा मतलब बजने लगेगा, फिर पूरी बिल्डिंग में बजेगा, एंड सारे बाहर आएंगे सोच के कि फायर लगी है। नहीं बोलो, सब सामान रख लिया? ओके, हाँ, रख लिया। बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। तो गाइस अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7:48 एंड अभी टेम्परेचर हो रहा है -8, तो यहाँ पर ठंड भी हो रही है। एंड अभी हम बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। जैसे आपको बताया था कि हम बस में जाते हैं, हम अभी अपनी बस का वेट कर रहे थे, वो आती होगी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी अपनी बुक्स लेने। तो हम जैसे बुक रीड करते हैं, तो यहाँ पे ईपीएल भी होती है, एडमंटन पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसमें से आप बुक ले सकते हैं। तो मैंने भी कुछ बुक ली है, चलो चलते हैं बुक लेने। फ्रेंड्स, पहले हमें एडमंटन पब्लिक लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद उनकी वेबसाइट से हम अपनी बुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बाद में लाइब्रेरी जाकर के बुक पिक करनी होती है। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं एडमंटन पब्लिक लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है ईपीएल, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। चलो बंदर, चल के अपनी बुक्स लेते हैं। A U K O K O K N K O K O, अब नीचे आ जाओ। K U M A, the babysitter, yeah, this is the one. KUM, this is the one. Okay, so, I KUM, this is the one. What's okay? Yeah. So guys, हमें बुक मिल गई है। यहाँ पे एक नया वे था, इसमें वो हमने ट्राई करा एंड हमें अपनी बुक मिल गई। सो गाइज, यहाँ पे मेट्रो भी है, आप देख सकते हैं। ये अभी टेस्टिंग मोड पे चली है, मतलब एकदम लाइव नहीं है कि मतलब इसमें लोग बैठ सके, पब्लिक बैठ सके, तो अभी ये टेस्टिंग मोड पे। एंड कभी भी ये जब ये चलेगी, हम भी इसमें बैठेंगे, क्योंकि हमारे घर के बहुत नजदीक है। सो गाइस, इवनिंग के 6 o'clock होने वाला है, एंड यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 9 degrees। मैंने जब आपको सुबह बताया था तब था -8, एंड अभी देखिए 9 degrees टेम्परेचर हो रहा है, तो सनी डे निकल रहा है एकदम, वाओ। सो गाइस, अभी हमारा फैमिली टाइम, तो हम खेलने वाले हैं कुछ गेम्स। एक गेम है जो आज हम लाए हैं, जो कि है क्रॉसवर्ड। इसमें ये चीज होती है, इसमें होता है एक बोर्ड गेम, सो एक्चुअली ये बोर्ड गेम है, सो इसके लिए यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ वर्ड लेटर्स, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे लेटर्स होते हैं। एंड हमें को ये मिलता है, इसमें हमें 7 वो चीजें लेनी होती है, एंड इसमें हमें वर्ड बनाना होता है। जैसे क्रॉसवर्ड वाला अपनी ऐप पे भी गेम आता है, आपने अगर वो खेला है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो खेला है, ये उसी की तरह बिल्कुल मतलब रियल लाइफ में गेम है, तो आज हम वही खेलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा गेम है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। इससे ना मतलब वर्ड्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम क्रॉसवर्ड भी है। वर्ड्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है इसी बच्चों की। चलो बोलो, आपकी टर्न आई। गाइस, मेरे को तो ये गेम बहुत अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी खेला हुआ है, मुझे बहुत मजा आता है इसे खेलने में। और न्यू न्यू वर्ड बनाने को भी।
सो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपका ब्लॉग अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ऐसे सब्सक्राइब बटन है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।